This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. सनातन धर्म के अनुसार श्रावण मास में भोलेनाथ मात्र जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं बात करें भूतनाथ मंदिर की तो सुबह से ही बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्तों को मंदिर के गार्ड लाइनों में लगवाकर बारी बारी दर्शन करवा रहे हैं। जय शंकर। आज बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, जो कि सुबह 4 बजे मंदिर पट खुले थे, जब से श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है और सब पूजा पाठ का कई प्रकार से पूजन अभिषेक और सब चल रहे हैं और बहुत बढ़िया सौहार्द के साथ में, प्रेम व्यवहार के साथ में बाबा भूतनाथ जी को सभी भक्तगण पूजन और दर्शन कर रहे हैं और इसी प्रकार संध्या काल तक ये सब जारी रहेगा, पूजन पाठ की व्यवस्थाएं। और श्रावण मास विशेष भगवान शंकर जी को समर्पित महीना है, जो सालों भर हर महीना हर हफ्ता सभी जो त्यौहार हैं देवी देवताओं के, वो हर दिन एक त्यौहार होता है। तो ये श्रावण मास का त्यौहार भगवान शंकर को समर्पित है, जो पूरे 11 महीने और कई प्रकार के व्यवस्थाएं हैं जो भी देवी देवताओं की, उनको पूर्ण रूप से श्रद्धा निष्ठा के साथ भक्त लोग पूजन पाठ करते हैं। पर जो श्रावण मास और शिवरात्रि मास का समय है, ये सिर्फ भगवान शंकर जी को समर्पित है। सभी देश विदेश में रहने वाले जो भक्तगण हैं, जो भी हमारी प्राचीन परंपराओं को मानते हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, वो सारे समर्पित भाव से भगवान शंकर को पूजन पाठ और अभिषेक कई प्रकार के जो पूजन हैं वो भगवान को करते हैं। और भगवान शंकर थोड़े में ही कम पूजा पाठ मात्र से भी प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे हमारे बाबा भोलेनाथ दयालु बाबा भूतनाथ जी, जो कि जो भी भक्तगण श्रद्धा निष्ठा से बाबा को समर्पित होकर जो भी कामना करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं जी। का हमारे देखो मंदिर में कम जगह है, छोटे दायरे में व्यवस्था है, इसलिए सभी भक्तों को सब दर्शन और पूजन का विधिवत, सब सेवार्थी हैं, बच्चे हैं और कुछ माताएं हैं, वो सब भक्तों को भी सबको दर्शन करवा रहे हैं और बहुत आनंद के साथ हम लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और सब फर्स्ट क्लास व्यवस्थाएं चल रही हैं जी। बाबा भोलेनाथ जी का ये खीर बन रहा है, 2 क्विंटल खीर है इस बार, पिछले बार 4 क्विंटल थी, तो अभी खीर बन जाएगा, तत्पश्चात बाबा को भोग लगाया जाएगा और सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।